इतनी जबरदस्त नॉलेज के साथ एक एक तिथि एक एक साल का व्याख्या करते हुए आपको इतना सुंदर इतिहास बताया, लेकिन तालियां का हम इंतजार करते रहे, लेकिन आपकी तालियां कहकर भिजवानी पड़ती हैं। क्या बात है, धन्यवाद अशोक जी, इतना सुंदर अवलोकन करवाने के लिए इतिहास का, उस युग पुरुष का जिसके चरणों में हम हर दम नतमस्तक हैं। अशोक जी ने फरमाया कि जो योग्य पुत्र होता है, योग्य सुपुत्र होता है, उसको अपने आप ही अपने बुजुर्गों के गुण मिल जाते हैं विरासत में। ऐसे ही हमारे गुरु दादा गुरु श्री आत्म श्री वल्लभ के गुण गुरु समुद्र और गुरु इंद्रदिन से होते हुए हमारे वर्तमान वल्लभ वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुश्वत जी मास साहब में पाए जाते हैं। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के गुरुदेवों का फल है। आप देखिए गुरुदेव जितने भी काम करवाते हैं, जैसे गुरु वल्लभ ने जितने काम करवाए उसमें गुरु आत्म का नाम, ऐसे हमारे गुरु नित्यानंद जी जो भी काम करवाते हैं उसमें गुरु आत्म और गुरु वल्लभ का नाम। यहाँ पर भी जो मणिलक्ष्मी धाम में जो यहाँ पर एक अलौकिक तीर्थ बन गया है उसमें भी भगवान पार्श्वनाथ के नाम के आगे क्या लिखा है, श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ। रोम रोम में गुरु का नाम, रोम रोम में गुरु का ध्यान, तस का नाम भी आत्म वल्लभ है ही है। क्यों ना सारे जो दादा गुरु हैं उनके आशीर्वाद इन पर न्योछावर ना हो। हम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम इनके काल में पैदा हुए। मलाल है गुरु वल्लभ के काल में नहीं पैदा हुए, उनके नहीं सुन सके, उनके नहीं देख सके कृष्णे, लेकिन फिर भी मन में ये संतुष्टि है, खुशी है कि हम वर्तमान वल्लभ के काल में पैदा हुए। इनके जो आशीर्वाद हैं सबको ऐसे मिलते हैं, सब उमड़ उमड़ के गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव एक एक नज़र, केवल एक नज़र आपकी चाहिए और हम रिचार्ज। अशोक जी ने बहुत सुंदर दो तीन दृष्टांत बताए, एक आध दृष्टांत मेरे भी जहन में आया, जल्दी जल्दी में एक आध मिनट में आपको सुनाता हूँ। अपने बुजुर्गों से जो सुना, हमारे बुजुर्ग भी गुजरांवाला में पाकिस्तान में थे, वहाँ आए जब, तो कहते हैं जो उस समय उपद्रव फैले हुए थे, हर समाज में कोई ना कोई शरारती अंसर होते हैं। एक लड़का जो ऐसा ही कुछ था, शैदाई था या क्या कहें, जहां गुरु वल्लभ ठहरे थे उपाश्रय में, वहां उसने कई बम गिराए। वो बम गुरुदेव के पास आकर ऐसे फुस हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हमने अपने बुजुर्गों के मुख से सारी कहानियां सुनी हैं, और कहते हैं कि वो जो जिसने बम फेंके थे, दो दिन के बाद उसकी लाश को कुत्ते घसीटते हुए बाजार में नजर आए। ऐसे हमारे गुरु वल्लभ का प्रताप, ऐसे आशीर्वाद, बहुत से दृष्टांत हैं, लेकिन अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। उस गुरु वल्लभ के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम। एक एक हमारा रोम जो है गुरुदेवों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ऐसे गुरुदेवों के चरणों में बारंबार नतमस्तक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सर्वोच्च संस्था श्री आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं, महामंत्री सहित सारी टीम यहाँ मौजूद है। मैं निवेदन करूँगा भाई श्री नवनीत जी जैन महामंत्री श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत से कि वो आएं और अपने भाव रखें। श्री नवनीत जी, शासन दिवाकर कल्याणक तीर्थोधारक पंजाब मारतंग परम पूज्य गच्छाधिपति शांति दूत जैन आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब, साधु वृंद, शासन रत्ना परम पूज्य साध्वी प्रगुणाश्री जी महाराज साहिब, शिविर संचालिका परम पूज्य साध्वी प्रिय धर्माश्री जी महाराज साहिब आदि श्री जी के चरणों में श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से कोटिश कोटिश वंदन करते हुए सुख साता पूछते हैं। आज
गुरु वल्लभ जिनका दीक्षा का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और साथ में महासभा के संस्थापक उपाध्याय सोहन विजय जी महाराज साहब का उपाध्याय पद दीक्षा का नहीं आचार्य आचार्य पदवी का आचार्य पदवी का हाँ आचार्य पदवी का वल्लभ सूरी महाराज साहब की आचार्य पदवी का और उपाध्याय सोहन विजय महाराज साहब की उपाध्याय पदवी का आज शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अशोक जी भाई अशोक जी ने पूरा विवरण आपको बता दिया है, उन चीज़ों की ओर मैं नहीं जाऊँगा। न्याम्बो निधि जंगम युग प्रधान श्रीमद विजयानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब ने जिन्हें पदाश्रय देकर उन्नत बनाया, जिन्हें पदाश्रय देकर उन्नत बनाया, जिस आत्मा को योग्य समझकर गुरु आत्म ने अपने लगाए हुए बगीचे का माली नियत किया, जिस गुरु वल्लभ को गुरु आत्म ने अपनी असीम प्रेम देकर प्रेम मूर्ति बनाया, जिस गुरु आत्म ने गुरु वल्लभ की वाणी में अपना वाक चातुर्य देकर जादू का असर पैदा किया, जिस गुरु वल्लभ को गुरु आत्म ने अपने अथाक परिश्रम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान का कवच पहनाकर अजय कर दिया, उसी आत्म के अनन्य प्रिय गुरु वल्लभ जो गुरु आत्म के नाम पर प्राण न्योछावर करने की होंस रखने वाले, गुरु आत्म की सरस्वती मंदिर बनाने की अधूरी रही इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने वाले, समस्त भारत में गुरु आत्म के नाम का डंका बजाने वाले, गुरु आत्म के समान ही जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन कर जप तप संयम से रहने वाले गुरु वल्लभ का आज आचार्य पदवी एवं उपाध्याय सोहन विजय जी महाराज साहब का उपाध्याय पदवी का शताब्दी वर्ष वर्तमान वल्लभ परम पूज्य गच्छाधिपति शांतियुत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में प्रारंभ हो गया है। गुरु वल्लभ जब उनको आचार्य पदवी दी जानी थी, सभी श्री संघों ने अपनी अपनी ओर से बहुत आग्रह किया, लेकिन गुरुदेव आचार्य पदवी लेने को तैयार नहीं थे। सभी श्री संघों के बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। फिर क्या हुआ, प्रवर्तक श्री कांति विजय जी और हंस विजय जी महाराज साहब के उस समय तार आए, तार भेजे गए और गुरु वल्लभ के पास तब ना करने की गुंजाइश ही नहीं रही जब प्रवर्तक कांति विजय जी का तार आ गया था। संघ के मुखियों ने गुरु वल्लभ की सेवा में उपस्थित होकर बड़े भाव से विनम्र प्रार्थना की और कहा, गुरु आत्म ने कहा था मेरे बाद तुम्हारी सार संभाल वल्लभ लेगा, इन वचनों का ख्याल कर इस भार को अपने कंधों पर उठाने की कृपा करें। समाज नेताओं के इन वचनों को सुनकर कुछ समय गुरु वल्लभ मौन रहे, फिर बोले, परंतु मेरा बड़ों के साथ व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा कि प्रथम था और अभी है। ये सुनकर संघ की खुशी का पार न रहा कि गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी है। साथ ही गुरु वल्लभ ने यह कहा, मेरी आचार्य पदवी होगी, साथ में सोहन विजय जी की भी उपाध्याय पदवी होगी। अगले दिन सुबह 6 बजे पंडाल खचाखच भरा हुआ था, चांदी का समसरण स्थापित था, भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव आत्म के जयकारे लग रहे थे। बड़े हर्ष के साथ गुरु वल्लभ का वहां पर स्वागत हुआ और गुरुदेव को आचार्य पदवी के बाद जो चादर उड़ाई जाती है, कांबली उड़ाई जाती है, वो कांबली जिस भाई ने बनाई थी, उस अग्रम स्तोत्र का जाप करते हुए, नव सिमरन का जाप करते करते उसने वो कांबली बनाई थी। जितनी भी देर उस कांबली को बनाने में लगी वो कांबली ऐसे बनाई। और उस कांबली की जब बोली हुई तो उस समय की बात बताता हूँ, आज से 100 वर्ष पहले की बात बताता हूँ, कांबली की बोली उस समय 1101 रुपये गई। 1101 रुपये आचार्य पदवी की उस समय कांबली की बोली बहराई गई और साथ ही उपाध्याय सोहन विजय जी महाराज साहब को जो कांबली बहराई गई उनकी बोली भी 701 रुपये गई। गुरु वल्लभ की विनीतता बुद्धिमता और समय सूचक चातुरी से आकर्षित होकर गुरु आत्म ने अपने सद्गुणों का मुख्य भाजन आपको ही बनाया था। उस समय जैसे अब अभिनंदन पत्र चलता है, उस समय गुरु वल्लभ को मानद पत्र दिया गया। मानद पत्र की 2-4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। शुरू की, श्री मनंत, हम समग्र पंजाब के जुदे जुदे शहरों कस्बों और ग्रामों के निवासी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक लोग
आज इस पंजाब की राजधानी लाहौर शहर में एकत्र होकर समग्र पंजाब के जैन शतांबर मूर्ति पूजक संघ की हैसियत से आप श्री को स्वर्गवासी जैनाचार्य न्यंबो निधि श्रीमद विजयानंद सूरी उर्फ आत्माराम जी महाराज के पट दर आचार्य पद से विजय वल्लभ सूरी इस नाम के साथ प्रतिष्ठित करते हैं। बोलो आचार्य विजय वल्लभ सूरी महाराज की। वैसे तो गुरु वल्लभ ने भारत के अंदर विचरण किया, लेकिन पंजाबी जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, गुरु वल्लभ पर अपना विशेष हक जताते हैं। भारत के अंदर भ्रमण किया है, भारत के अंदर गुरु के भक्त हैं, लेकिन पंजाबी जो भक्त है ना, वो कहते हैं कि वल्लभ हमारा है, हम पंजाबियों का वल्लभ है, हम हक जताते हैं। जैसे हम हक इन पर जताते हैं ना, आप हमारे हो, पंजाबियों के हो, भले भारत विचरण करते हो, वैसा हक गुरु वल्लभ पर जताया जाता था। और गुरु वल्लभ ने जितनी रचनाएं, पूजाएं, स्तवन, सज्जाएं लिखी, वो आपको पता ही है उसका जिक्र। और एक बात और, स्वतंत्रता के अंदर भी उनका योगदान था, खादी पहनते थे, और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, जो 14 सूत्री फार्मूले हैं वो भी गुरु वल्लभ ने दिया, जो बाद में जाके पंचशील का आधार बनी। ऐसे गुरु वल्लभ थे, उनके गुणों का बखान हम नहीं कर सकते। तो मैं आज के दिनों के अंदर यही कहूँगा आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से कि आने वाले वर्ष के अंदर जितने भी श्री संघ हैं, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त पूजाएं उन संघों के अंदर पढ़ाई जाएं, उनकी रचनाएं, स्तवन, सज्जाएं, काव्य, उनकी प्रतियोगिताएं कराई जाएं, जहां जहां पाठशालाएं नहीं हैं, जो गुरुवल्लभ का सपना था वो खोली जाएं और बच्चों को पाठशाला की शिक्षा दी जाए। और इसके साथ साथ जो उनका मेन मिशन था, शिक्षा सेवा संगठन स्वावलंबन साहित्य प्रचार पंचामृत जो उन्होंने दिया, उस पर भी कार्य होना चाहिए। आज श्री आत्मानंद जैन महासभा गुरु वल्लभ ने जब से संक्रांति प्रारंभ की है, वार्षिक फंड की राशि विधवा बहनों की सहायता को दी जाती है, तब से लेकर आज तक महासभा भी 100 साल अपने पूर्ण कर चुकी है, वो सहायता वैसे ही महासभा चला रही है। इसके साथ साथ राशन वितरण, शिक्षा की, दवाइयाँ की, और आगे मेडिक्लेम की भावना रखती है। तो गुरुवल्लभ के लिए दो लाइनें गीत की गाऊंगा। वीर की वाणी जिसने सुनाई, वीर की वाणी जिसने सुनाई, जीव दया जिसने सिखलाई, जीव दया जिसने समझाई, जब तक है दुनिया रहे उसका नाम, जब तक है दुनिया रहे उसका नाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम, भूल न पाएंगे हम गुरुवर का नाम। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्र रोशनी देते रहेंगे, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्र रोशनी देते रहेंगे, जब तक आकाश में बादल गरजते रहेंगे, और जब तक उन बादलों से पानी बरसता रहेगा, जब तक वो पानी नदियों में मिलता रहेगा, जब तक वो नदियां सागर में मिलती रहेंगी, और जब तक सागर में लहरों का नाच होता रहेगा, और जब तक हवाओं का मंद मंद प्रवाह चलता रहेगा, जब तक फूलों में खुशबू रहेगी, तब तक विजय वल्लभ सूरी तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। बोलिए विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ऐसे जैन सीनियर मॉडल स्कूल अम्बाला से अपनी सेकंड आइटम लेकर आ रहे हैं। जब तक वो आ रहे हैं, तैयारी करते हैं, तब तक समय का सदुपयोग करते हुए मैं निवेदन करूंगा, गौतम जी जैन जो कि उपधान तप में यहाँ बैठे हैं, नौ उपवास की ये तपस्या की भावना रखते हैं। गौतम जैन सुपुत्र श्री राकेश जी जैन, सुपोत्र श्री शांतिलाल जी जैन, जिनको समाज झांकियों वालों के नाम से ज़्यादा जानता है, उनके सुपोत्र श्री गौतम जी जैन। तैरते भी डूब जाते हैं जिनको खुद पे गुमान होता है, वो तैरते तैरते भी डूब जाते हैं जिनको खुद पे गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तिर जाते हैं जिन पर गुरु का एहसान होता है, जिन पर गुरु मेहरबान होता है। गुरु नित्यानंद जी ने चलाई पंजाब में धर्म की धमाल है,
गुरु नित्यानंद ने चलाई पंजाब में धर्म की धमाल है, तभी तो इतने आराधकों ने उपदान में बनाई उपदान की हाथ में ली मिसाल है, उपदान की हाथ में ली मिसाल है। पल पल जहां मिला गुरु का एहसास है, पल पल मिला जहां गुरु का एहसास है, समय समय जहां मिली संयम की श्वास है, पल पल समय समय जहां मिली संयम की श्वास है, क्षण क्षण जहां हुआ वात्सल्य का आभास है, क्षण क्षण जहां हुआ वात्सल्य का आभास है, पहली बार हुआ जीवन में मेरे उपधान का एहसास है, पहली बार हुआ जीवन में मेरे उपधान का एहसास है। आप सभी को पता ही है, जैसे कि हम बिना टिकट के ना किसी रेलगाड़ी में ना किसी बस में सफर कर सकते हैं, ना ही हम बिना किसी लाइसेंस के कोई कार चला सकते हैं, आजकल तो कोई सरकारी नौकरी भी एग्जाम के बिना नहीं मिलती। तो क्या आप जानते हैं कि नवकार मंत्र को पढ़ने का भी एक लाइसेंस होता है, उसे कहते हैं उपधान। उपधान 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 यानी क्या? यानी उत्तम पंच परमेष्ठी की आराधना, उत्तम पंच परमेष्ठी की आराधना। प यानी पवित्रता के शिखर पर पहुंचना, पवित्रता के शिखर पर पहुंचना। ध धारणा, गुरु के गुणों को खुद में धारणा। न निर्दोष निर्मल जीवन को जीना, निर्दोष निर्मल जीवन को जीना। ऐसा है हमारा उपधान, ऐसा है हमारा उपधान। देखो चला है धर्म का तूफान, देखो चला है धर्म का तूफान। सभी आराधक हुए हैं पुण्यवान, सभी आराधक हुए हैं पुण्यवान। इतिहास बनाएगा हमारा ये उपधान, इतिहास बनाएगा हमारा ये। अनादि काल से सभी तीर्थंकरों द्वारा ये उपधान की प्रथा चलाई गई है। बड़े बड़े सेठों ने खुद भी उपदान किया और करवाया। उपदान की जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। साधु जीवन का ट्रेलर है ये उपदान, साधु की दिनचर्या में रहने का एग्जाम्पल है उपदान। संसार में सब बोगस है, संसार में सब बोगस है, उपधान में सुबह सुबह ही सो लोगस है। उपधान के आराधक सुबह सुबह उठकर ही सो लोगस का कायोत्सक करते हैं, और हमारे यहाँ तो कुछ आराधक ऐसे भी हैं जो खड़े खड़े होकर सो लोगस का कायोत्सक करते हैं। संसार में कब से कर रही हमारी आत्मा 84 में भ्रमण है, कब से कर रही हमारी आत्मा 84 में भ्रमण है। उपधान में सुबह शाम नित्य प्रतिगमन है, नित्य प्रतिगमन है। दो टाइम का प्रतिगमन हमारे आराधक पूरा विधि पूर्वक करते हैं गुरु भगवान से। तत्पश्चात हम पोषद लेते हैं, पोषद में जब गुरु भगवान बोलते हैं ब्रह्मचर्य सवो अव्यवहार सवो शरीर सवो, यानी शरीर का त्याग। इसीलिए हमारे आराधक ना इन्होंने 47 दिन से कच्चे पानी को छुआ है, ना कोई स्नान किया है, ना कोई मुंह धोया है। आप सोच सकते हैं इस आराधना का कितना फल है। और व्यापार का त्याग, व्यापार संसारिक व्यापार का त्याग आता है पोषण में। संसार में बंधन ही बंधन है, संसार में बंधन ही बंधन है। उपधान में चार बार देव वंदन है, चार बार देव वंदन है। जब पड़ती है पवेना में हमारे शरीर पर गुरु की दृष्टि, जब पड़ती है पवेना की क्रिया में हमारे शरीर पर गुरु की दृष्टि, तो होती है पुण्यों की वृष्टि, अतिवृष्टि अतिवृष्टि। चतुर्थी ठंड में भी हमारे आराधक उत्तरासन का त्याग कर, उत्तरासन का त्याग कर सुबह क्रिया करते हैं। जब गुरु मुख से मिलता पचखान है, जब गुरु मुख से मिलता पचखान है, तो हो जाता आत्मा का कल्याण है, आत्मा का कल्याण है। संसार में अब नहीं लगता मन है, संसार में अब नहीं लगता मन है। उपदान में 100 खमास मन है, 100 खमास मन है। डेली सभी आराधक खड़े होकर 100 खमास मन करते हैं। संसार में, संसार ने हमें मोह माया में डाला है, संसार ने हमें मोह माया डाला है। उपदान में डेली 20 माला है, सभी आराधक 20-20 माला का जाप करते हैं डेली। उसके बाद जिनके प्रवचन से आता मोक्ष का आनंद है, जिनके प्रवचन से आता मोक्ष का आनंद है, ऐसे हमारे प्रिय गुरु श्री मोक्षानंद हैं, मोक्षानंद हैं। संसार में आती है हर पल कोई अड़चन, संसार में आती है हर पल कोई अड़चन। उपधान में नित्य मिलता है गुरु का प्रवचन, नित्य मिलता है गुरु का प्रवचन। जब प्रवचन होता है न प्यास लगती है न भूख लगती है, ऐसी इनसे लगन लगती है। न प्यास लगती है न भूख लगती है, जब इनसे लगन लगती है। ऐसे हैं ज्ञान के कल्प वृक्ष हमारे गुरु भगवान, ऐसे हैं हमारे गुरु भगवान।
11 से 12, 12 से 1 बज जाते हैं, पचकान पारने की कोई जल्दी नहीं होती। कई बार नीवी आईएमबी लेकासना 1-1 बजे 2-2 बजे भी होता है, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद ही होता है। घर में तो कितनी बार हमें खुद खाना खाना पड़ता है या ठंडा खाना पड़ता है, लेकिन हमारे भगवान गुरुजी हमारे साथ चलते हैं, भोजनशाला में देखते हैं कि हमें खाना मिल रहा है, बिल्कुल गर्म मिल रहा है। कई बार तो फोर्सफुली करके हमको वो आते हैं, बोलते तो हम हैं इनको कि हार पानी का लाभ देना जी, हार पानी का लाभ देना जी, पर कितनी बार हमें भगवान विराते हैं, खुद भगवान विराते हैं। कितनी बड़ी बात है, संसार में मोबाइल टीवी है, संसार में मोबाइल टीवी है, हमारे उपदान में हरी सब्जियों रहित नीवी है। 47 दिन से आराधकों ने कोई हरी सब्जी कोई पदार्थ नहीं खाया है, इसका त्याग है। ये थी हमारे उपदान की कुछ उपलब्धियां। इसके अलावा हमने उपदान में क्या क्या पाया है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 1,00,000 नवकार मंत्र का जाप 47 दिनों में अगर हम टोटल करें, जितनी हमने माला करी कौशक किए, तो 1,00,000 नवकार मंत्र का वो टोटल बनता है। 8,000 लोगस का कौशक, 8,000 संख्या सोचने में, लोगस जिसका एक कौशक हम इरिया वियम में करते हैं तो क्या होता है, शरीर हिलने लगता है। 8,000 लोगस का कौशक, 9,000 खमासमन, 9,000 खमासमन, 1,500 नमुत्थुनम, 1,200 बार गुरु वंदन। गुरु मिलते हैं तो हम गुरु वंदन तब भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 1,200 बार गुरु वंदन किया है। 600 बार देव वंदन, देव वंदन जिसमें 2 बार 4 थुई आती है, ऐसा देव वंदन 600 बार। 1,410 समायक, कोई है आप में से यहाँ, कोई है संसार में से यहाँ जिसने दिन में 14 समायक भी की हो कभी पोषद के अलावा? 1,410 समायक हमने उपदान में कर ली है, और 21 उपवास हो गए हैं, 10 आईएमबिल हो गए हैं, 16 नीवी हो गई है, और उसके अलावा भी कई आराधक तो हम में से ऐसे हैं जिन्होंने इससे भी बढ़कर तपस्या की है। कईयों ने 15 उपवास की तपस्या की है, हमारे श्री वास्तुपाल जी और हमारे संचित भैया के 13 उपवास चल रहे हैं, लक्षित जी के 11 साल का बच्चा है लक्षित जैन रायकोट से, इनके 8 उपवास की तपस्या चल रही है। उसके बाद हमारे राकेश जी हैं जिन्होंने पूरा आईएमबिल पूरा उपदान आईएमबिल से किया है, पूरा उपदान, एक भी नीवी नहीं। और भी माताएं बहनें जिनकी तपस्या चल रही है, मीना जी हैं जिनकी 28 की तपस्या चल रही है, सुनीता जी हैं जिनकी 28 की तपस्या चल रही है, गीता जी जिन्होंने मौन पूर्वक पूरा उपदान किया है। एक दिन भी चुप रह सकते हैं आप में से कोई? एक दिन 11 उपवास की उनकी तपस्या चल रही है और पूरा उपदान मौन पूर्वक किया है, ऐसे तपस्वी हमारे बीच में। विवेक भैया ने भी 9 उपवास किए, विवेक भैया ने भी 9 उपवास किए, उससे पहले पंकज जी ने, जलंधर जी से पंकज जी हैं, उन्होंने 15 उपवास किए। हाँ, प्रवीण जी जो कि हमारे अतुल्य विधि कारक है, खड़े होकर कौशक करते हैं, उन्होंने भी अट्ठम के बाद में अट्ठम से करके उपदान की माला उपदान में तपस्या की है। मारा भाग्य उदय थे आज, मारा पूरा थे उपदान, मारा भाग्य उदय थे आज, मारा पूरा थे उपदान, मारा पूरा थे उपदान। मैं तो पहनूं मोक्ष की मां, मैं तो पहनूं मोक्ष की मां, मारा पूरा थे उपदान। मारा पूरा थया उपदान।
धनी गुरु वाणी सुनी, मारा जन्म सफल गया, आज मैं तो पहनू मोक्ष निमा। मारा जन्म सफल गया, आज मैं तो पहनू मोक्ष निमा। मारा पूरा थया उपदान, मारा पूरा थया उपदान, मारा पूरा थया उपदान, मारा पूरा थया उपदान। जीवन कार मान जाग, हमें जल्दी बनू अणगार, हमें जल्दी बनू अणगा, के बन सू शिव भदुनार, मैं बन जू शिव भदुना। उमर पूरा हुआ उपदान, मर पूरा थया उपदान, मैं तो पहनू मोक्ष निमाल, मैं तो पहनू मोक्ष निमाल, खुद तो पहनू हमारे गौतम भैया। तीन तारीख को उपधान का पहला प्रवेश था और सभी आराधक 2 तारीख को 3-4 बजे तक आ चुके थे। जिन्होंने भी प्रवेश करना था सभी पहुंच चुके थे। रात को 11:30 बजे मुझे समाचार मिलता है, 11:30 बजे 2 तारीख रात को 11:30 बजे मुझे समाचार मिलता है कि गौतम पूछ रहा है कि मैं अभी आ जाऊं या सुबह आऊं। मैं क्या, अगर उपधान पहला उपधान वाला आराधक उसको बोलो अभी आ जाए, सुबह का कोई भरोसा नहीं है कि टाइम का मन ही बदल जाए के। मैं कहा उसको बोलो अभी आ जाए, मैं उसके लिए जागूंगा 11:30 बजे। अब घर से इसने पैकिंग शुरू करी तो मम्मी पापा इसके पूछते क्या कर रहे, कहते मैं जा रहा हूँ, कहते सुबह चले जाना, कहते नहीं मेरा मन भी अभी हुआ है तो अभी निकल जाता हूँ, सुबह तक कहीं फिर सोता ना रह जाऊँ। और हाथों हाथ रात को पैकिंग करी और 12:30 बजे मणिलक्ष्मी पहुँच गया और सबसे पहले मैंने इसको रिसीव किया रात को 12:30 बजे। मैं कहा आ जा भैया, 12:30 बजे तक जागता रहा। मैं कहा कि उपधान के आराधक रात को 2 बजे भी आए तो हमारा फर्ज है उनको धर्म में जोड़ना, उनको बुलाना। तो इस तरह हाँ, और उसने ये भी बोला है कि अब मुझे अनगार बनना है माइक के ऊपर। उसके बाद में जब ये निवृत्त हुए तो इन्होंने बनाया गच्छाधिपति हमारे गौतम भैया को और उप गच्छाधिपति बनाया रुपेश भैया को। तो इन्होंने आगे जाके अपना पूरा उपधान की क्रिया वगैरह संभाली। बहुत बहुत अनुमोदना श्री आत्मन जैन सीनियर मॉडल स्कूल अम्बाला के विद्यार्थियों की प्रस्तुति। एक ऐतिहासिक चातुर्मास में एक ऐतिहासिक उपधान तप, ऐसा उपधान तप जिसको दुनिया वर्षों वर्षों तक याद रखेगी, ऐसा उपधान तप के आराधक पहली बार देखे होंगे। भूरी भूरी सबकी अनुमोदना, भूरी भूरी अनुमोदना। ऐसे जैन सीनियर मॉडल स्कूल अम्बाला सिटी से अपना श्री आत्मजीत सीनियर मॉडल स्कूल के सभी टीचर्स को, विद्यार्थियों को गुरु जी का खूब खूब आशीर्वाद। गुरु वल्लभ की लगाई हुई ये संस्था है जिनसे ये बच्चे निकलकर आपके समक्ष उस गुरु वल्लभ के आज पदारोहण दिवस पर यहाँ पर पधारे, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब आपके समक्ष हमारे सिरताज, हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद शिष्य जी महा साहब आपके समक्ष अपने वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। महा साहब ऐदं
आज हमारे परम आराध्य हमारे प्रेरणा के स्रोत श्रद्धा के केंद्र हमारे सर्वस्व प्राणाधार गुरु वल्लभ की आचार्य पदवी के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। लाहौर की धन्य धरा पर माक्सर सुदी पंचमी 1981 गुरुदेव का चातुर्मास लाहौर में ही था और चातुर्मास के बाद वहां पर जिन मंदिर की प्रतिष्ठा भी थी लाहौर में शांतिनाथ दादा की जिन मंदिर की प्रतिष्ठा भी थी और साथ ही आचार्य पदवी भी और लाहौर में विराजमान शांतिनाथ दादा की प्रतिमा बहुत प्राचीन प्रतिमा थी जो कि गुरुवल्लभ के आदेश से निर्देश से वरकाणा से वह प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वही वरकाणा से प्राप्त शांतिनाथ दादा की प्रतिमा ही लाहौर में जिन मंदिर में मूल नायक रूप में स्थापित की गई। माक्सर सुदी पंचमी के दिन जिन मंदिर की प्रतिष्ठा और साथ ही गुरुवल्लभ की आचार्य पदवी तथा महासभा के संस्थापक श्री आत्मानंद जैन महासभा के संस्थापक उपाध्याय श्री सोहन विजय जी महाराज की उपाध्याय पदवी हमारे अशोक जी रोहिणी वालों ने आइए पधारिए आओ गुलशन भैया हमारी आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के कार्यकारी प्रधान हमारे गुलशन भैया आओ बैठो भैया। जैसा कि हमारे अशोक जी ने बताया वर्षों वर्षों पहले जो लाहौर में ही आचार्य जिनसिंह सूर्य जी महाराज और भानुचंद्र जी महाराज की आचार्य उपाध्याय पदवी का प्रसंग हुआ वर्षों वर्षों के बाद में वही इतिहास दोहराया गया और गुरुवल्लभ की आचार्य पदवी तथा सोन विजय जी महाराज की उपाध्याय पदवी का प्रसंग संयुक्त रूप से मनाया गया और साथ ही परमात्मा की प्रतिष्ठा भी। ऐतिहासिक अवसर सारे देश से गुरुभक्त वहां पर पहुंचे हुए थे और जैसा कि बताया कि राधनपुर के सेठ मूलचंद साकरचंद मूलचंद जी परिवार मैं उस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। अभी तो इस समय तो साकरचंद सेठ की एक पोती ही शेष है बाकी परिवार समाप्त प्राय हो चुका है। हमने पोती का भी बंबई में सम्मान कराया था मरीन ड्राइव बॉम्बे में रहते मैं स्वयं घर भी जाके आया और उसका हमने सम्मान भी कराया था। देखिए क्या योग संयोग की बात है दीक्षा भी उसी सेठ ने दिलाई मूलचंद साकरचंद सेठ ने गुरु वल्लभ की दीक्षा भी सेठ मूलचंद साकरचंद सेठ ने दिलाई पहली बात। गुरुदेव की आचार्य पदवी पर भी संपूर्ण लाभ सेठ मूलचंद साकरचंद सेठ ने लिया ओके। गुरुदेव का अंतिम संस्कार भी उसी भाग्यशाली परिवार ने राधनपुर के सेठ मूलचंद साकरचंद सेठ आज भी भाईकला समाधि पर नाम लिखा हुआ है एक सच्ची और पक्के गुरु भक्त। दीक्षा से लेकर के अंतिम संस्कार तक जो परिवार हमेशा गुरु के साथ में रहा अड़िग अडोल अकंप की तरह मेरु की तरह गुरुदेव के जीवन का कोई भी प्रसंग क्यों ना हो हर अवसर पर सेठ पहुंच जाते खूब खुले हृदय से लाभ लेते उदारता पूर्वक एक इतिहास है ऐसे गुरु भक्त मिलने बहुत दुर्लभ है बहुत दुर्लभ है। न जाने उन्हें कैसे पता चला और आचार्य पदवी के प्रातः 6 बजे आचार्य पदवी होने 4 बजे पहुंच गए
ये टेलीपैथी, दिल के तार जुड़े होते हैं, जो उनको कौन सा पता था। और जाते सब कुछ देख करके इतने गदगदित हुए, आज जिन्हें मैंने दीक्षा दी उनकी आज आचार्य पदवी है। ओ हो, सही स्थान पर सही व्यक्ति का चयन। जबकि गुरु आत्म के पास में जब वल्लभ पढ़ा करते थे, तो एक बार गुरु भक्तों ने पूछा, पंजाबी गुरु भक्तों ने, गुरुदेव इन्हें क्या पाठ पढ़ा रहे, मैं पंजाब रक्षा का पाठ पढ़ा रहा हूं। ये गुरु आत्म के वचन थे। और गुजराती होते हुए भी गुरु वल्लभ ने पंजाब को अंतिम श्वास तक संभाला। किसी को सपने सजाने में जमाने बीत जाते हैं, किसी को नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं। हमारा बड़ा सद्भाग्य है हमें गुरु वल्लभ जैसा गुरु मिला, किसी को गुरु पाने में जमाने बीत जाते हैं। एक गुरु आत्म के वचन के ऊपर 19 साल तक लगातार, कहां ऐसा गुरु मिलेगा। आज तक इतिहास में ऐसा आचार्य कोई नहीं मिलेगा। आज तक इतिहास में एक गुरु के वचन के ऊपर 19 वर्षों तक पंजाब को जिसने संभाला, गुरु को सोते जागते एक ही चिंता रहती, मेरा पंजाब, मेरा पंजाब, मेरा पंजाब। अंतिम समय में गुरु वल्लभ ने कहा, मेरी मिट्टी गिरे तो पंजाब में गिरे। संयोग की बात ही बंबई में कालदर हो गया। कितना पंजाब के प्रति, पंजाब के प्रति गुरु को लगा होगा। पाकिस्तान में बैठे हैं, विभाजन, क्या स्थितियां है वहां की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। और ऐसी स्थिति में सारा देश के सभी आचार्य भगवान चतुर्विद श्री संघ चिंतित है, जन जन चिंतित है, हमारे गुरु महाराज पाकिस्तान में, हमारे गुरु महाराज पाकिस्तान में, जल्दी लाओ गुरुदेव को, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। केंद्र सरकार पर जोर डाला गया, दबाव डाला गया, सरकार ने विमान भी भेज दिया, पधारो, सारा देश चिंतित है, गुरु भक्त चिंतित, पधारिए। गुरुदेव, नाना मैं एक आचार्य हूं, मेरे जैसा भाग्य आया था, लेकिन वो आचार्य थे। आचार्य के ऊपर संघ के संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, आचार्य संघ का माई बाप होता है, सारे संघ के संरक्षण की जिम्मेदारी, संघ के योग क्षेम की जिम्मेदारी, हर सुख दुख को संभालने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। संघ आचार्य का परिवार, संघ का नायक आचार्य होता है। पूरे संघ रूपी इस महल का यदि कोई आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ है, तो आचार्य होता है। गुरुवल्लभ ने कहा, जब तक एक भी संघ का सदस्य यहां रहेगा, मैं नहीं आऊंगा। क्या आचार्य पद की जिम्मेदारी होती है। आचार्य बनना बहुत आसान है, एक वो नान मांडी चार चक्कर लगाया आचार्य बन गए, कौन सी बड़ी बात, आचार्य बनना को बड़ी बात है क्या, सैकड़ों बनी रहना आचार्य, रोज के रोज आचार्य बन रहे। लेकिन आचार्य पद की क्या गरिमा है, क्या जिम्मेदारी है। आचार्य पद तो सामान्य पद नहीं है, आचार्य पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी संघ समाज की। भैया गुरु वल्लभ सच्चे आचार्य थे। संघ का एक एक बच्चा जब तक यहां रहेगा, मैं नहीं आ सकता, नो। और संघ के एक एक बच्चे को साथ लेकर गुरुदेव सुरक्षित भारत पहुंचे। क्या कैसी करना, क्या बम नहीं फोड़े जा रहे थे, क्या स्थितियां थी, लेकिन ओ महान उनका नैष्ठिक धर्म, ब्रह्मचर्य, उनके तप त्याग का बल, संयम की शक्ति, जाप का बल, गुरु का आशीर्वाद। मैंने कितने आचार्यों को देखा है, अन्य समुदाय के आचार्यों को मैंने देखा है, अपनी स्थापना आचार्य में गुरु वल्लभ का फोटो रखे, रोज नमन करते हैं, वंदन करते हैं, मैंने देखा है। हम यदि गुरु वल्लभ के गीत गाएं, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो उसके रंग में रंगे हुए हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अन्य समुदायों के आचार्य भी
मध्याह्न का समय था, एक गुरु महाराज पल्लन की विधि कर रहे थे, मैं भी संयोग से पास में बैठा हुआ था। स्थापनाचार्य पल्लन करने के लिए स्थापनाचार्य खोली, मैं चौंक गया देख करके, गुरुदेव ये क्या? बोले नहीं, हम समुदाय के नहीं, हम सच्ची साधुता के पुजारी हैं। इनके संयम का तेज, तप का तेज, तप का प्रभाव, तप जब की साधना, अनूठी साधना, और उससे बढ़कर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की साधना। स्वयं आचार्य प्रेम सूरी जी महाराज, चाहे वैचारिक मतभेद था, चाहे वैचारिक मतभेद था, जीवन भर विचार नहीं मिले, आचार्य रामचंद्र सूरी के गुरु प्रेम सूरी जी महाराज, लेकिन अपने पूरे साधु साधी समाज में कहा करते थे ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला दूसरा आचार्य नहीं हो सकता, स्वयं प्रेम सूरी जी महाराज नमन किया करते थे, ये उनकी गुण ग्राहक था। और सबको सुरक्षित भारत ले आए, अमृतसर ले आए, सारे भक्त कहते गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके पुण्य बसाए से हम सुरक्षित भारत लौटा। नहीं 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 नहीं, ये साध्वी देवश्री जी की शक्ति, उसके शील का प्रभाव है, खुद सब कुछ करके भी श्रेय हमेशा दूसरे को देना। हम तो कुछ नहीं करके भी श्रेय लेना चाहते हैं, कुछ नहीं करके भी श्रेय हम लेना चाहते हैं। मैंने किया, मुझे माला पहनाओ, मेरा वीडियो खींचो, मैंने किया, कुछ नहीं करके भी, और वो सब कुछ करके भी श्रेय दूसरे को दिया करते थे। कितने संघर्ष झेले गुरुदेव ने, कितने परिश्रम सहन किए, कल्पना नहीं कर सकते। चोरों ने लूट लिया, मारपीट करी, क्या नहीं किया गुरुदेव के साथ में, कितना विरोध, आचार्य भगवंतों का, साधु समुदाय का, भयंकर भी समाज का भयंकर विरोध, जहां जाओ विरोध के झंडे, ओ बुलंद झंडे, आओ विरोध 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 विरोध, लेकिन गुरुदेव का क्या दिमाग ठंडा, आइस बॉक्स, हमारे तो अंगीठी सुलगती रहती है, लेकिन गुरुदेव कितने शांत रहते होंगे, कितने प्रशांत रहते होंगे, कभी जीवन में किसी का विरोध नहीं किया, जिंदगी भर इतने विरोध के पैम्पलेट छपे, इतने विरोध में पैम्पलेट छपे, एक भी पैम्पलेट का गुरु भक्त एकदम आवेश में आए, भर जाते, गुस्से में भर जाते, आवेश गिर जाते, गुरुदेव हम जवाब दे, हम जवाब दे, हम जवाब दे, चुप, अगर तुम मेरे हो चुप बैठ जाओ, खत्म कर, कभी विरोध नहीं। मुझे अपनी शक्ति का, मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना विरोध में, नो, मुझे सही लग रहा है, मैं कर रहा हूं बस, आज नहीं कल समाज समझेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने कल भी कहा था, जो उस समय गुरुदेव के विचारों का, कार्यों का विरोध करने वाले थे, और आज वे सब उन्हीं के पथ का अनुगमन कर रहे, अनुसरण कर रहे, उसी पथ पर कदम बढ़ा रहे, और आज वो स्वयं कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, संघ समाज के बीच में, सभाओं के बीच में, हम गलत थे, वो सही था, हम उनको नहीं समझ पाए, उनकी दृष्टि को नहीं समझ पाए, उस समय हमने विरोध किया। आज यदि हम उस समय गुरु वल्लभ का साथ देते, उनकी दृष्टि को समझ करके, तो शायद समाज का भी नक्शा और ही होता। आज वो कबूल करते हैं, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कबूल करते हैं, मैंने स्वयं उनके विचारों को सुना है, स्वयं विचारों को सुना है। ऐसे युग दृष्टा, समय दर्शी आचार्य भगवान, समय और समाज की नाड़ को परख करके जो उन्हें क्रांतिकारी कदम उठाए। मैंने कल भी कहा था, साध्वी जी समाज को प्रवचन करने की आज्ञा नहीं थी, पाठ पर बैठने की आज्ञा नहीं थी, कोई श्रावक साध्वी को वंदन नहीं करता था, यह स्थिति थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, साध्वी समाज की भी शक्तियों का समाज हित में, संघ हित में सदुपयोग होना चाहिए, मैं आज्ञा देता हूं, साध्वियां पाठ पे बैठकर प्रवचन देंगी। कलकत्ता में एक बहुत बड़े आचार्य का चातुर्मास था, जैन भारतीय साधु मृगावती जी का भी चातुर्मास था, भक्तगण गुरु वल्लभ के चरणों में, गुरुदेव
हम चाहते हैं साधु जी प्रवचन, बिल्कुल मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं, जाओ साधु मृगावती जी को पाठ पे बैठ के प्रवचन करें। और हालत ये बनी, इतने महान आचार्य थे, प्रखर आचार्य थे, जैसे ही जैन भारती मृगावती जी का प्रवचन होता सारी पब्लिक मृगावती जी के मेले में। ज्ञान थी, ज्ञान था, प्रतिभा थी, विद्वत्ता थी, प्रभु वक्तृत्व शक्ति थी उनमें, साध्वियों की शक्ति का सदुपयोग संघ समाज के हित में, ये गुरु वल्लभ की सोच थी। गुरुदेव जैसा सर्वधर्म संभाव किसमें होगा, आज तक इतिहास में नहीं मिलेगा। जिस गुरु वल्लभ ने सियालकोट के पास आगा का गुरुद्वारे का भी उद्धार करा दिया, गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार एक जैन आचार्य कराए, पपनाखा में जैन समाज मुस्लिम रोज दंगे फसाद होते, रोज दंगे फसाद एक रस्ते को लेकर के, मस्जिद और गुरु अपना जैन मंदिर पास पास में था, रास्ता एक ही था, मस्जिद को जाने को रास्ता छोटा पड़ता था, रोज के विवाद, रोज के झंझट, गुरु वल्लभ पधारे, मुसलमान वहां भी पहुंच गए। गुरु तो सबका था, केवल जैनों का थोड़ी था, गुरु जन जन का था, वल्लभ जन जन का वल्लभ था, केवल जैनों का वल्लभ नहीं था, जन जन का वल्लभ था। मुसलमान वहां भी पहुंच गए, आओ भैया पधारो गुरुदेव, हमारी भी एक अर्जी, आपकी मर्जी गुरुदेव, आदेश दो हमको, ये रास्ता छोटा पड़ता है मस्जिद जाने को। गुरुदेव ने एक दफा जाए, ए जैन समाज के लोग, भैया ये क्या है, ये भी तो मस्जिद मंदिर एक ही बात है, और क्या है, प्रभु को याद करते, अल्लाह ताला का खुदा को याद करते, बात तो एक ही है, रास्ता बड़ा कर दो। सारे मुसलमान भी हमेशा हमेशा के नतमस्तक गुरु के बन गए। एक अमृतसर में सनाती बंधु थे, बोले गुरुदेव मैंने हिंदू मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा कराओ। हाँ मैं आ रहा हूँ भैया, उसमें क्या दिक्कत है। क्या उदारता होगी गुरु में, क्या उदारता होगी। बिनोली में हरिजन पहुंच गए गुरु के चरणों में, गुरुदेव हमको ये हिंदू लोग स्वर्ण लोग कुएं में से पानी नहीं भरने देते, क्या करें, जल के बिना जीवन नहीं, क्या हम दूसरे धर्म को अपना ले, क्रिश्चियन बन जाए। नो 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 भैया, जैन समाज को आदेश दिया हरिजनों के लिए कुआं खोदो भैया, नहीं तो जैन आचार्य की क्या ये मर्यादा नहीं है। लेकिन वो बहुत समयदर्शी आचार्य थे, युगदर्शी आचार्य थे, और इसीलिए गुरुदेव को जन जन मानता था, प्रत्येक धर्म जाति संप्रदाय वर्ग वर्ण का व्यक्ति। तभी तो गुरुवल्लभ का कालधर्म बंबई में हुआ, और कालधर्म के बाद एक बहुत बड़ी विशाल गुणानुवाद सभा हुई, हजारों की मेदिनी थी, सैकड़ों साधु संत विराजमान थे, और तत्कालीन मेयर जो बंबई के थे गणपति शंकर देसाई, उन्होंने रूंधे हुए कण से, गदगदित हृदय से, आंखों में आंसू बहाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि हमारे देश में दो वल्लभ हुए, एक तो राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरा धार्मिक क्षेत्र में। एक तो राजनीतिक क्षेत्र में वल्लभ हुआ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने खंड खंड हुए भारत को शिल्पकार बन के अखंड स्वरूप प्रदान किया, उसके उपकार को कभी भुला नहीं सकते। और दूसरा वल्लभ जैन धर्म में, जैन आचार्य विजय वल्लभ धार्मिक क्षेत्र में हुआ, जिसने जीवन के अंतिम श्वास में पद पद, पैर पैर, नाप नाप करके, पांव पांव चल करके, सारे देश को नाप करके, और अशिक्षा के, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करा, सैकड़ों शिक्षण संस्थाओं का। जैसे हमारे अशोक जी बता रहे थे 62 शिक्षण संस्थाएं, जीवन भर एक पल भी विश्राम नहीं, एक पल भी आराम नहीं, संघ समाज के लिए प्रत्येक श्वास समर्पित कर दिया, प्रत्येक श्वास। दीवा तो रातू बले बुझ जावे प्रभात, ए संत दीवा देसरा रोज बले दिन रात। एक दीपक होता है, एक दीपक होता है, रात को जलता है और दिन को बुझ जाता है, रात भर संघर्ष करता है अंधेरे को भगाने के लिए, सुबह होते बुझ जाता है,
वो तो केवल रात भर जलता है, सुबह बुझ जाता है, लेकिन संत ऐसे दीपक हैं जो तुम्हारे कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए, वो ऐसे दीपक हैं जो रात में भी जलते हैं, दिन में भी जलते हैं, और तिल तिल कर जल करके तुम्हें सुवास देते, प्रकाश देते हैं। ऐसे मोमबत्ती के समान तिल तिल कर जलने वाले, अगर बत्ती के समान तिल तिल कर सुवास देने वाले, क्या कितना हम गुरु वल्लभ के लिए कहें। 5000 से अधिक गुरुदेव ने 5600 तो पद रचे हैं, स्तवन सज्जा स्तुतियां रची गुरु वल्लभ ने, पूजाएं रची हैं, अद्भुत पूजाएं, क्या रस है उसमें, सारा आगम भर दिए, सारी परमात्मा वाणी का निचोड़ भर दिया सारा उसमें। जीवन में अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण या तो परमात्मा के नाम से, पार्श्वनाथ जैन विद्यालय, महावीर जैन विद्यालय, या गुरु आत्म के नाम से, आत्मनंद जैन उपाश्रय, आत्मनंद जैन लाइब्रेरी, आत्मनंद जैन हाई स्कूल, आत्मनंद जैन कॉलेज, जो भी। कभी जीवन में अपने नाम से एक भी गुरु ने संस्था का निर्माण नहीं किया, कहीं पर भी नाम नहीं लगा, ऐसा परमात्मा और गुरुओं के प्रति समर्पण। आज महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी 106 सालों के जिस संस्था को स्थापित है, गुरु वल्लभ ने स्थापित की थी, और आज 20,000 से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ करके जिस महावीर जैन विद्यालय से आज न केवल देश में अपितु विश्व में कितने सुप्रीम कोर्टों में जज हमारे बैठे हुए हैं, महावीर जैन विद्यालय के बैठे हुए हैं, कितने हाई कोर्टों में जज, सुप्रीम जज हमारे बैठे हुए हैं, सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों सीए, सैकड़ों इंजीनियर। आज अहमदाबाद में देखो 150 हमारे डॉक्टर, 150 डॉक्टर महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी, 150 हमारे बाहर विद्यालय के पढ़े कितने साधु आचार्य बने हैं, विद्यालय के पढ़े हुए, विद्यालय के आज भी उपकार मानते हैं, आज भी उपकार मानते हैं, कितने समुदाय के गच्छाधिपति बने हुए हैं, आचार्य अभय शेखर सूरी जी महाराज। इस युग में, इस समय में साधुओं को वाचना देने में उनके जैसे महारत किसी को नहीं होगी, आचार्य अभय शेखर सूरी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और पूरे भुवन भानु सूरी समुदाय के, साधु समुदाय के गच्छनाए गए आचार्य अभय शेखर सूरी जी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। जो विज्ञान और धर्म का तालमेल बिठा करके सिद्ध कर रहे हैं, धर्म को कसौटी पर कस के, विज्ञान की कसौटी पर कस करके, जो ऐसे आचार्य नंदी गोस्वामी जी महाराज महाविद्यालय के विद्यार्थी। अभी महाविद्यालय का फंक्शन था हमारे अहमदाबाद में, पालड़ी में जो महावीर जैन विद्यालय की शाखा है, वो पूरा भवन नवनिर्मित हुआ, सुधीर भाई टोरेंटो वाले लाभ लिया, मेरे एक संकेत मात्र से 35 करोड़ रुपये लगाया, 35 करोड़ रुपया 9 मंजिला का महल खड़ा गया, 9 मंजिलों का महल। संयोग था दीपचंद भाई गार्डी का निधन हुआ, हम तनाव में थे, टेंशन में थे, अब महावीर जैन विद्यालय जो खरबों की संपदा है उसको किसके हाथों में दिया जाए, किसके हाथों में सुरक्षित रहेगी संपदा, विद्यालय किसके हाथ में रहेगा। बहुत मंथन हुआ कार्यकर्ताओं ने, मंथन किया, हमने सोचा, आपस में विचारणा करी, और सोचा कि सुधीर भाई टोरेंटो वालों को अध्यक्ष बनाया जाए, मान नहीं रहे थे। मैंने कहा सुधीर भाई चाहे कुछ भी आपको बनना होगा, इसको केवल आप ही संभाल सकते हैं, आपके हाथों में सुरक्षित रहेगी गुरु की संस्था, और आपके ऊपर अनंत उपकार है गुरु वल्लभ का। आपके पिताजी उत्तम भाई मेहता, यूएन मेहता, उत्तम भाई मेहता सुधीर भाई के पिताजी महाविद्यालय के विद्यार्थी, महावीर विद्यालय के विद्यार्थी, और महावीर विद्यालय के लोन से लेकर पढ़ करके वो यहाँ तक पहुँचे। आज पूरे वर्ल्ड में नाम है टोरेंटो ग्रुप का, टोरेंटो फार्मा, टोरेंटो पावर, टोरेंटो ग्रुप। मैंने कहा आपके पिता पर गुरु का अनंत उपकार है, और मैं कहा सुधीर भाई उस दिन को याद करो, तुम्हारे पिता ने तो इस संस्था से लोन लेकर के गुरु कृपा से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे, और तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं था भैया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तेरे बाप को तुझे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, और इस महाविद्यालय की रोड जो लाइट जाती थी, सड़क की तरफ जो लाइट जाती थी, उस लाइट के प्रकाश में तू पढ़ के यहाँ तक पहुँचा, तो तेरे ऊपर संस्था का ऋण है। आज हम तुझे महाविद्यालय की बागडोर सौंपते हैं, अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बन के सीधा मेरे पास अहमदाबाद आए, मैं अहमदाबाद में विद्यालय की शाखा में था। मैंने कहा आज आप अध्यक्ष बने, बहुत बहुत बधाई, लेकिन अभी तो कार्य का प्रारंभ हो रहा है, अभी शुरुआत,
अध्यक्ष बने हो, अभी तो बहुत काम करने भैया। और सबसे पहला काम ये विद्यालय, 96 साल हो इस बिल्डिंग को, 96 साल इस बिल्डिंग को गए, महाविद्यालय अहमदाबाद की शाखा खुले, जीर्ण हो चुकी है, आपके पिता ने यहीं पढ़े हैं, इसी में पढ़े हैं, इसी रोड लाइट में आप पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, ऋण है ये पूरी बिल्डिंग का, लिपापोती नहीं करनी, जीर्णोद्धार लिपापोती नहीं, नो, पूरा नया निर्माण। एक पल भी नहीं सोचा, गुरुदेव तहत्ती 35 करोड़ रुपया बंदे ने लगाया,